नमस्कार, दिल्ली तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित प्रवीण मिश्रा। रक्षाबंधन का पावन पर्व है, भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। आज भाई चाहे जितने बिजी हो, बहन चाहे जितनी बिजी हो, लेकिन दोनों समय निकाल करके मिलते हैं और रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाते हैं। तो रक्षाबंधन के इस पावन मौके पर कैसे इस पर्व को मनाएं कि आपके जीवन में खुशहाली और बढ़े और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। देखिए, सदियों से ये परंपरा चली आती रही है कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है और सदियों से विधि विधान से इसे मनाया जाता रहा है। रक्षाबंधन को आप किस रूप से मनाएं ये चर्चा करेंगे, साथ ही आपको ये बताएंगे कि रक्षा सूत्र बांधने का यानी राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। दर्शकों को ये भी बताएंगे, बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बहनें अपने भाई को किस रंग की राखी बांधने, तो किस रंग की राखी बहनों को अपने भाई को बांधना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले एक क्रम से शुरू करते हैं कि भाई रक्षाबंधन की तैयारी बहनें कैसे करें। तो पहले ये बहनों के लिए है, तो आप क्या करें कि पहले से जो है कुछ चीज़ें एकत्र कर लें और फिर इसके बाद जो है रक्षाबंधन मनाएं। क्या करना है आपको कि सुबह उठ करके स्नान करें, स्नान करके पूजा की थाली तैयार करें। पूजा की थाली में नारियल, कुमकुम रख लीजिए, रोली रख लीजिए, चावल रख लीजिए, चावल जिसको अक्षत बोलते हैं साबुत चावल रख लीजिए, और रक्षा सूत्र रख लीजिए, और जो आप राखी लेकर आए हैं वो रख लीजिए, जो आपके भाई की मनपसंद मिठाई है वो भी आप रख लीजिए। तो इस तरीके से सामग्री आप अपने उसमें पूजा की थाली में एकत्र कर लीजिए। देखिए, भाई को राखी बांधने से पहले आप जो है पूजन कर लें। आप अपने घर के मंदिर में जाकर पूजन कर सकती हैं, या अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छा देवालय है, मंदिर है, तो वहाँ जा कर के भी पूजा कर सकते हैं। तो स्नान ध्यान करके साफ शुद्ध कपड़े पहन लें, इसके बाद जो है आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में ही वो पूजा की थाली जो आपने सजाई है वो लेकर के चले जाएं। उसमें एक घी की जोत अवश्य रखिए, या आप आपके घर के आसपास जो मंदिर है आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो जाएं, सबसे पहले भगवान की पूजा करें और भगवान को रक्षा सूत्र अर्पित करें और भगवान की आरती करें। इसके बाद जो है आप घर आ जाएं और अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये रक्षाबंधन मनाने की परंपरा कब से रही है। देखिए, सदियों से रक्षाबंधन मनाने की परंपरा चली आती रही है। आपने सुना होगा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने जो है अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके उनकी उंगली में बांध दिया था। भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का वध कर रहे थे तो उनकी उंगली में चोट लग गई थी, तो खून बहता देख द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगलियों में उसे बांध दिया। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि जब भी तुम्हें जो है सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो मैं जो है अवश्य आपकी रक्षा के लिए आगे आऊँगा। तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भगवान कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो ये एक कहानी है। इसके अलावा बहुत सारी जो है ऐतिहासिक कहानी भी हैं, जब राजाओं को जब एक राजा दूसरे राज्य में आक्रमण करता है तो जिस राज्य में आक्रमण करता है वहाँ की रानी ने जो है रक्षा सूत्र भेज करके उनके राज्य में आक्रमण ना करने का और उनकी रक्षा करने का वचन लिया था। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इतिहास में हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये परंपरा सदियों से चली आती रही है। आज के ज़माने में व्यस्त लाइफ में भाई बहन इस त्यौहार को कैसे मनाएं? तो बहनें तो एक तैयारी कर लें, जो हमने बताया, सामग्री एकत्र कर लें और अपने भाई को राखी बांधें। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है सबसे पहले हम आपको वो बता दें, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि बहनें जो है अपने भाई को किस रंग की राखी बांधें। तो देखिए, आपको करना क्या है कि यदि आपके भाई की मेष राशि है, आप अपने भाई से पूछ लीजिए उनकी राशि क्या है और उसके हिसाब से आप रक्षा सूत्र उनको बांध सकते हैं। तो यदि आपके भाई की मेष राशि है तो आप उन्हें रेड कलर की यानी लाल रंग की राखी बांध सकती हैं, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है।
तो रेड कलर की राखी उनके लिए शुभ रहेगी। मरून कलर की राखी आप उनके लिए भी बांध सकते हैं। यदि आपके भाई की वृष राशि है तो आप उनको जो है सिल्वर कलर की राखी बांध सकती हैं, वाइट, ऑफ वाइट या चांदी जैसे चमकते हुए रंग की राखी बांध सकती हैं, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र का जो कलर है वो चमकीला सिल्वर कलर, वाइट कलर के आसपास होता है, तो इस तरह से आप बांध सकती हैं। यदि आपके भाई की मिथुन राशि है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और बुध का रंग हरा होता है, तो आप अपने भाई को हरे रंग की राखी बांध सकते हैं। तो ग्रीन कलर की राखी बहुत सारी बाज़ार में मिल रही हैं आजकल, तो आप ग्रीन कलर की राखी ला करके अपने भाई को बांध सकते हैं। यदि आपके भाई की कर्क राशि है तो आप अपने भाई को, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा जैसे सफ़ेद रंग की आप राखी या चांदी की राखी भी आप अपने भाई को बांध सकती हैं, या लाइट कलर सिल्वर कलर की राखी आप अपने भाई को बांध सकते हैं। यदि आपके भाई की सिंह राशि है तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो आप गोल्डन रंग की, सुबह जब सूर्य निकलता है गोल्डन रंग का होता है, हल्का रेड मरून होता है और दोपहर में वाइट होता है, तो इनमें से गोल्डन रंग, मरून रंग, वाइट कलर, जो भी कलर आपको ज़्यादा पसंद हो उस कलर की राखी ला कर अपने भाई को बांधेंगे तो शुभ रहेगा। यदि आपके भाई की कन्या राशि है तो कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है, तो हरे रंग की राखी, ग्रीन कलर की राखी आप अपने भाई को बांध सकते हैं। यदि आपके भाई की तुला राशि है तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो आप अपने भाई को चांदी की राखी बांध सकती हैं, वाइट कलर की सिल्वर कलर की चमकती हुई राखी बांध सकती हैं। यदि आपके भाई की वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, तो आप अपने भाई को रेड कलर की राखी बांध सकती हैं। यदि आपके भाई की धनु राशि है तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, तो आप अपने भाई को पीले रंग की राखी बांध सकते हैं। यदि आपके भाई की मकर राशि है तो आप अपने भाई को, मकर राशि का स्वामी शनि होता है, तो आप अपने भाई को नीले रंग की राखी बांध सकते हैं। यदि आपके भाई की कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है, तो आप नीले रंग की राखी उनको बांध सकते हैं। ब्लैक कलर की राखी हम बांधने की सलाह नहीं देते हैं। नीला रंग, आप आसमानी रंग की भी राखी बांध सकते हैं, यदि आपको नीले रंग की नहीं मिलती, आसमानी, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, ये तीन नीले कलर हैं, तो मकर और कुंभ राशि के लोग इन कलर में से लाइट ब्लू कलर की अच्छी अच्छी राखियाँ मिलती हैं, आप वो लेकर के अपने भाई को बांध सकते हैं। यदि आपके भाई की मीन राशि है तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, तो आप अपने भाई को पीले रंग की या गोल्डन कलर की राखी बांध सकती हैं, तो आपके भाई के लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये हुआ कि किस कलर की आप राखी बांधें। अब ये जानते हैं कि भाई राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हमारे यहाँ परंपरा चली आती रही है कि भद्रा काल में जो है राखी नहीं बांधना चाहिए, तो भद्रा काल के अलावा बाकी समय में राखी बांध सकते हैं। तो क्या शुभ मुहूर्त है जब आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं? तो देखिए, यदि आप, वैसे परंपरा रही है कि दोपहर के बाद रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, लेकिन यदि आप सुबह बांधना चाहती हैं अपने भाई को राखी, यदि आपके भाई को जल्दी कहीं जाना है तो सुबह यदि आप रक्षाबंधन करना चाहती हैं तो सुबह 7:43 से 9:18 के बीच में आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। यदि आप चाहें तो दोपहर, सुबह एक और मुहूर्त है 10:53 से 12:28 पर, इस मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकती हैं। यदि आप शाम को राखी बांधना चाहती हैं तो शाम को 6:48 से लेकर के 8:13 के बीच में भी आप अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। अब ये तो राखी बांधने के शुभ मुहूर्त हुए, तो आप जब अपने भाई को राखी बांधें तो रक्षा सूत्र, जो राखी आप लेके आई हैं बाज़ार में, जो आर्टिफिशियल राखी मिलती हैं, उसके साथ साथ एक रक्षा सूत्र जो कच्चे धागे का बना होता है वो अवश्य बांधें। आप मोली ले लीजिए, मोली बांध सकती हैं, या कच्चे धागे का और भी कोई सूत्र आपके पास है रक्षा सूत्र, तो वो बांध सकती हैं। तो राखी बांधें, उसके साथ रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। और बांधें कैसे, अब जो बहनें राखी बांधती हैं उनको पता है कि कैसे बांधना है, लेकिन हम फिर भी दर्शकों को बता दें कि जो आपने पूजा की थाली तैयार की है तो वो थाली रखिए और अपने भाई को सबसे पहले तिलक करें। तिलक करने के बाद जो है उनको रक्षा सूत्र बांधें और फिर उनकी आरती करें। आरती करने के बाद फिर जो आपने अपनी पूजा की थाली में मिठाई रखी है अपने भाई की मनपसंद की, लड्डू रखे हैं, वो उनको खिलाइए। इसके बाद जो भाई हैं वो अपने बहन को जो है उनका मनपसंद गिफ्ट दें।
जो आपकी बहन को पसंद हो सबसे ज़्यादा, कोशिश करिए कि वो गिफ्ट आप रक्षाबंधन के दिन उन्हें दें। तो इस तरीके से भाई बहन इस रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को मना सकते हैं। रक्षा सूत्र भाई बहन के अलावा परंपरा रही है हमारे देश में कि पुरोहित लोग, जो पंडित लोग हैं, वो अपने यजमान को बांधते रहे हैं और उनकी रक्षा की कामना करते रहे, तो बांध सकते हैं। जो छोटी उम्र के लोग हैं वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को राखी बांध सकते हैं। आप अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी कलाई में जा कर के राखी बांध सकते हैं, और राखी हमेशा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए, ये सब लोग जानते हैं। तो आप अपने घर के बड़े लोगों को राखी बांध करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप रक्षाबंधन का ये जो पावन पर्व है ये मना सकते हैं। कोशिश करिए कि जो राखी बांधने के जो हमने मुहूर्त आपको बताए हैं उस मुहूर्त में आप अपने भाई को राखी बांधें। तो रक्षाबंधन के इस विशेष प्रोग्राम में अब आज इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति और कल फिर होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे आपकी राशियों का राशिफल। तो आप दिल्ली तक को देखते रहिए और दिल्ली तक को सब्सक्राइब अवश्य करिए और जो नोटिफिकेशन बेल है वो ज़रूर बजाइए, क्योंकि उसी से तो पता लगेगा आपको कि दिल्ली तक में कौन कौन सी खबरें आ रही हैं, कौन कौन सी खबरें अपडेट हो रही हैं। तो अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।